I am Ashdeep Singh, and today we are going to start our next chapter, that is chapter number 9. We will be starting with our rituals, that is computer and hundred. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट, हम इन चीजों को ऑलरेडी जानते हैं, थोड़ी थोड़ी जान पहचान हमारी ऑलरेडी है। मैंने आपको बताया था सी एंड सी प्लस प्लस दो बहने हैं, सी प्लस प्लस छोटी बहन है, छोटी बहन कुछ नया सीख के आई है, वो नया क्या था, वो नई यही थी क्लास और ऑब्जेक्ट। इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो क्लास की मैं आपको ऑलरेडी एक डेफिनेशन बता चुका हूं, क्लास क्या होता है, क्लास एक रैपर होता है, रैपर रैप करने वाला नहीं, कवर करने वाला, जो क्या करता है, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इनको आपस में बांधे रखता है। बांधे रखता है तो इसको ऐसे और कर देता हूं, क्लास इज अ रैपर विच इज यूज टू बाइंड टूगेदर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। ये ऊपर ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि ये बांध के रखता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये क्या होता है, एक क्लास का इंस्टेंस होता है, बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, बहुत ही छोटा टुकड़ा होता है। और ये क्या हो सकता है, क्लास क्या होती है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, तो ये क्या होता है, वेरिएबल ऑफ क्लास डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास टाइप की डेटा टाइप का एक वेरिएबल होता है। तो ये इसका ब्रॉड इंट्रोडक्शन है। क्लास क्या होती है, क्लास एक रैपर होता है जो बांध के रखता है हमारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को। ये मैं आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं कि हमने डेटा को डेटा मेंबर और फंक्शन को मेंबर फंक्शन क्यों लिखा है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन दी कमेंट सेक्शन, या आप डिस्कशन वाले पोर्शन में भी डाल सकते हो, आपके ऐप में एक ऑप्शन है डिस्कशन, उसमें आप लिख सकते हो। तो क्या क्या होते हैं, डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्लास होती है, और वेरिएबल ऑफ क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या फिर क्लास का एक इंस्टेंस होता है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है। अब अपने बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की डिटेल्स में, इसका आप एक बार दिमाग में स्क्रीनशॉट छाप लो। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि क्लास की घोषणा कैसे की जाती है, हाउ टू डिफाइन अ क्लास, हाउ टू डिक्लेयर और डिफाइन अ क्लास। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हम स्टार्ट करेंगे क्लास के साथ, विल बी स्टार्टिंग विद क्लास। हाउ टू डिफाइन अ क्लास, क्लास को कैसे घोषित किया जाता है, कैसे क्लास को यूज किया जाता है, हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास, तो वो मैं आपको बताता हूं। क्लास के लिए हमें क्लास नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है, इसको आप चाहे कैपिटल्स में यूज कर लो, चाहे स्मॉल में यूज कर लो, ये नहीं चलने वाला। तो आपको क्लास का कीवर्ड स्मॉल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा। क्लास कीवर्ड के साथ आप नेम ऑफ क्लास लिख सकते हो, एंड यहां पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, दैट मींस इस क्लास का स्कोप शुरू हो जाता है। इस क्लास के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, लास्ट में ये कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाते हैं, सेमीकॉलन आता है। इस क्लास के डिक्लेरेशन के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिस्टम होता है। इसके अंदर दो हिस्से ब्रॉडली होते हैं, वैसे तीन होते हैं।
एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। इनके अलावा एक और पोर्शन भी होता है, वो होता है प्रोटेक्टेड। तो इसको भी आप साथ में ही पढ़ लो, इसी के साथ पढ़ लेते हैं। प्राइवेट, अब मैंने आपको बताया था कि क्लास हम यूज क्यों करते हैं, क्लास एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इसकी यूज, इसकी जरूरत क्या पड़ी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड लेवल ऑफ डेटा क्यों बने, इसके अंदर क्या कारण था कि हमें क्लास यूज करनी पड़ी। मैंने आपको बताया था कि क्लास किस तरह का होता है, क्लास भी स्ट्रक्चर और यूनियन का मॉडिफाइड फॉर्म ही है, तो हम स्ट्रक्चर और यूनियन ही यूज क्यों नहीं कर लेते, क्या फर्क है क्लास के अंदर। फर्क तो है क्लास और स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन बड़ा फर्क क्या है। आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा। किसी भी कंपनी का डेटा अगर लीक हो जाए तो उसका और कुछ नहीं बचता है पीछे। गूगल का सब कुछ एक ही वेबसाइट पे चल रहा है, अगर उनका डेटा लीक हो जाए, अगर उनके पास जो डेटा है यूजर्स का वो लीक हो जाए तो उनके पास कुछ नहीं बचता। फेसबुक एक वेबसाइट पे ही चल रहा है सब कुछ, एक कंपनी चल रही है, अगर उनका डेटा लीक हो जाए तो बहुत सारा ब्लंडर क्रिएट हो सकता है। अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की डील्स का डेटा, अगर उनके नए आने वाले प्रोडक्ट्स का डेटा, अगर उनकी लाइक डिटेल्स, उनके पासवर्ड्स, उनका वो सारा डेटा लीक हो जाए तो पीछे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेटा। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या नया लेके आए हैं, इसके अंदर नया है डेटा की सिक्योरिटी, प्राइवेसी। कैसे, अलग अलग लेवल पर हम डेटा की एक्सेस यूजर को दे सकते हैं। पहले क्या होता था, हम या तो किसी यूजर को एक्सेस दे सकते थे या नहीं दे सकते थे। इसके अंदर क्या हो गया, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ चीजें होती हैं जो पब्लिकली सभी के साथ शेयर की जा सकती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ शेयर की जा सकती हैं, बाकियों के साथ नहीं की जा सकती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, सिर्फ पर्सनल कंटेंट होता है। इसका एग्जांपल देता हूं, आपका एग्जाम होना है तो क्या मैं आपका एग्जाम्स, आपके जो पेपर हैं वो नोटिस बोर्ड पे लगा सकता हूं, पहले लगा सकता हूं, क्योंकि फिर क्या प्राइवेसी रह जाएगी, क्या आपका पेपर हो जाएगा। क्या मैं आपके एग्जाम्स का शेड्यूल नोटिस बोर्ड पे लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। क्या मैं आपका रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। इसमें भी एक प्राइवेसी का इशू होता है, जैसे थ्री इडियट्स में बोला गया था कि सभी के कान में जाके रिजल्ट बोलना चाहिए, तो ऐसा किया जा सकता है। तो डेटा की प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने एग्जाम पेपर सभी बच्चों के साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। किसके साथ कर सकता हूं, पहली बात तो किसी के साथ ही शेयर नहीं होते हैं। जब एग्जाम टाइम शुरू होता है तो किसके साथ शेयर होते हैं, तो हमारे टीचर्स के ग्रुप के साथ शेयर हो जाते हैं, ताकि वो क्या करें, वो स्प्रेड कर दें, पेपर कंडक्ट कराने में हेल्प कर दें, और वो देख लें क्या क्वेश्चन पेपर सही तरीके से बना हुआ है, क्या इसमें कोई मिसप्रिंट है या नहीं। तो ये क्या हुआ, लेवल ऑफ डेटा शेयरिंग हो गई। बच्चों के साथ वो डेटा शेयर्ड नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है टोटली। कुछ लोग हैं जिनके पास प्रोटेक्टेड एक्सेस है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी एक्सेस किसी के पास नहीं है, बिल्कुल प्राइवेटली एक्सेस है। तो ये फर्क होता है डेटा के अलग अलग लेवल ऑफ सिक्योरिटी के। तो ये चीज इंट्रोड्यूस की गई है क्लासेस के अंदर। इसके अंदर कुछ सेगमेंट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं, कुछ चीजें हम प्राइवेटली डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ चीजें हम पब्लिकली डिक्लेयर कर सकते हैं, और कुछ चीजें हम प्रोटेक्टेडली डिक्लेयर कर सकते हैं। उनका डिक्लेरेशन कैसे होता है, इन चीजों को बोला क्या जाता है, वो हम फर्दर लेटर फेज में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक क्लास के अंदर कुछ अलग अलग हिस्से होते हैं। अब कुछ चीजें जो प्राइवेट में डिक्लेयर की जाएंगी, जो डेटा या जो फंक्शंस प्राइवेट सेगमेंट में डिक्लेयर किए जाते हैं, उनको अदर क्लास के लोग या इस क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा डेटा, जैसे हमारे बैंक के अंदर लॉकर रूम होता है,
तो लॉकर रूम के अंदर जो डाटा हमने रखा हुआ है वो क्या है, प्राइवेट डाटा है, जिसको हम क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उस लॉकर रूम के अंदर ही देख सकते हैं जब तक हम उस लॉकर रूम में रखना चाहते हैं डेटा को। अगर हम उस क्लास को, उस डेटा को लॉकर रूम से बाहर लाना चाहें तो नहीं ला सकते विदाउट परमिशंस। हमने जो चीजें लॉकर रूम में रखी हुई हैं वो लॉकर रूम में ही रिजर्व रहती हैं, सेव रहती हैं। उनको कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिससे रिलेटेड वो डेटा है। मतलब इस प्राइवेट डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ क्लास के मेंबर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें होती है पब्लिक, पब्लिक चीजों को कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे मैंने आपको नोटिस बोर्ड का एग्जांपल दिया था, नोटिस बोर्ड को कोई भी देख सकता है, उसके अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी डेटा चिपकाया हुआ है, लिखा हुआ है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी चेक कर सकता है। तो क्लास के अंदर क्या होता है, अलग अलग लेवल ऑफ प्राइवेसी ऑफ डेटा होती है, अलग अलग लेवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डेटा होती है। कुछ चीजें प्राइवेटली डिक्लेयर्ड होती हैं, कुछ चीजें पब्लिकली डिक्लेयर्ड होती हैं। इसको प्राइवेट अनुभाग बोला जाता है, इसको पब्लिक अनुभाग बोला जाता है, प्राइवेट सेक्शन एंड पब्लिक सेक्शन। ऐसा ही एक प्रोटेक्टेड सेक्शन होता है। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि पब्लिक से थोड़ी सी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट से थोड़ी सी कम सिक्योरिटी होती है। इसको हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। एक और चीज यहां पे याद रखने वाली है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस आर कंसीडर्ड एज प्राइवेट। मतलब क्या है इस लाइन का? बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप सबसे पहले अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं, प्राइवेट भी नहीं लिखते हैं, पब्लिक भी नहीं लिखते हैं, प्रोटेक्टेड भी नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं यहां पे इंट एक्स, लेट्स से हमने प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, तो ये एक्स जो वेरिएबल होगा वो किस तरह का होगा, किस अनुभाग में आएगा, ये आता है प्राइवेट में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स, सारे फंक्शंस को प्राइवेट घोषित किया जाता है, उनको ही यूज किया जा सकता है, प्राइवेटली ही यूज किया जा सकता है। अगर हम लिख देते हैं प्राइवेट तो भी प्राइवेट है, अगर हम कुछ नहीं लिखते तो भी प्राइवेट है। अगर हम पब्लिक लिख देते हैं उसके बाद में लिखी गई सारी चीजें पब्लिक होती हैं, अगर हम प्रोटेक्टेड लिख देते हैं तो उसके बाद में लिखी गई सारी चीजें प्रोटेक्टेड होती हैं, जब तक कोई नेक्स्ट सेक्शन नहीं आ जाता। तो एक सेक्शन के अंदर जो भी डेटा लिखा जाता है वो उस टाइप का होता है। क्लास, क्लास क्या होता है, क्लास कीवर्ड के साथ बनती है, यहाँ पे क्लास का नाम आता है, उसका स्कोप शुरू होता है, स्कोप बंद होता है और सेमीकोलन आता है। अब ये बेसिक कहानी थी क्लास की। ऐसे ही हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की कहानी की। उससे पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक एग्जांपल और लिख के बता देता हूं। ये तो फॉर्मेट ऑफ क्लास है, एग्जांपल ऑफ क्लास क्या होगा? क्लास टेस्ट। यहां पे मान लो int a, b और एक फंक्शन है add नाम का। तो जो वेरिएबल्स एंड फंक्शंस यहां पे डिक्लेयर किए गए वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? प्राइवेट। इसके बाद में हम पब्लिक बना लेते हैं, इसके अंदर हम बना देते हैं int x, y और मल्टीप्लीकेशन का कोई फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का जो डेटा हमने पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया है, ये चीजें पब्लिकली एक्सेसिबल होंगी, इसको क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज और लिख देते हैं, द प्राइवेट डेटा, प्राइवेट डेटा और फंक्शंस can not be accessed from outside of class.
मतलब जो चीजें प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है या फिर बाय डिफॉल्ट ही प्राइवेट डिक्लेयर्ड हो जाती है, यहां पे हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, वो क्या होता है, वो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। और जो चीजें पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर्ड है उनको क्लास के आउटसाइड डिक्लेयर, उनको क्लास से आउटसाइड यूज किया जा सकता है। जो चीजें क्लास में प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है उनको बाहर से यूज नहीं किया जा सकता, जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है उनको बाहर से यूज किया जा सकता है। अब आप कह रहे होगे कि यार ये क्या बाहर से क्या अंदर से कैसे बोल रहे हैं सर, आप जब क्लासेस बनाओगे उनके फंक्शंस यूज करोगे तो आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ आ जाएंगी। एक बार आपको थ्योरेटिकली ये चीजें समझ आ जानी चाहिए, व्हाट इज अ क्लास, क्लास के अंदर क्या फॉर्मेट रहता है, ये क्लास है, ये क्लास का नाम है, यहाँ पे सेमीकोलन और आएगा, इसके अंदर हमने ये सारी चीजें डिक्लेयर कर दी। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, नेम ऑफ क्लास एंड नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे टेस्ट क्लास का मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहूंगा तो टेस्ट टी। अब ये क्या हो गया, घर का बेदी हो गया, कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाई, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का घर का बेदी होता है। हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे लॉकर का एग्जांपल दिया था मैंने, तो जब भी आप बैंक के लॉकर में जाते हो, लॉकर रूम में जाते हो, तो आप अकेले नहीं जाते हो, एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ जाता है, एक की उनके पास होती है, एक की आपके पास होती है, आप दोनों कीज घुमाते हो तब उसको ओपन कर सकते हो। तो ब्रॉडली क्या है, हमें कोई अंदर का बंदा चाहिए होता है। अंदर का बंदा कौन होता है, क्लास खुद बताती है कि मेरा इंस्टेंस या मेरा वेरिएबल कौन है, टी है। अब टी इंचार्ज ऑफ दिस क्लास बन गया, इस टी के थ्रू हम इस क्लास के डेटा को या इस क्लास के मेंबर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस चैप्टर को हम दो लेक्चर्स में करेंगे, हालांकि एक लेक्चर में इसको कंप्लीट कर सकता था, लेकिन इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, कुछ फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास, ये सारे नाम आएंगे आपके पास, तो मैं इनको डिटेल में लेके चलूंगा। तो क्लास क्या होती है, किस तरह से डिक्लेयर होती है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, क्या एग्जाम्पल होता है, और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अब तक हम ये देख चुके हैं। अब क्लास के अंदर फंक्शंस की घोषणा कैसे होती है, क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन की घोषणा कैसे की जा सकती है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। बाकी चीजें हम कब करेंगे, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन या फलन की घोषणा कैसे होती है, क्लास में फंक्शन की घोषणा, क्लास के अंदर फंक्शन की घोषणा करनी है तो दो तरह से की जा सकती है, कौन कौन से टाइप से, एक विद इन द क्लास, क्लास के अंदर ही हम कोई फंक्शन बना लें, दूसरा आउटसाइड द क्लास। अगर हम कोई फंक्शन बनाना चाह रहे हैं तो दो तरह से बन सकता है, एक क्लास के अंदर ही बन सकता है, एक क्लास के बाहर बन सकता है। अब क्लास के अंदर ही बनाना है तो कोई इशू नहीं है, मैंने आपको बताया था क्लास टेस्ट, इसके अंदर हमने कुछ चीजें डिक्लेयर करनी है। मान लो पब्लिकली मैं कोई फंक्शन बनाना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे बना दूंगा इंट एड, इंट एक्स, इंट वाई, एंड यहां पे रिटर्न एक्स प्लस वाई। तो ये एक फंक्शन बन गया जो इस क्लास के पास है, एड नाम का फंक्शन है, इसको कॉल किया जा सकता है इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। ये विद इन द क्लास है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ सिंपल फंक्शन का नाम लिख दिया। आउटसाइड द क्लास अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक क्लास होगी, टेस्ट नाम की ही रख लेते हैं, उसके अंदर हमने कुछ चीजें डिक्लेयर कर दी हैं पब्लिक पोर्शन में, लेट्स से इंट ए कॉमा बी। अब हम कोई फंक्शन बनाना चाह रहे हैं आउटसाइड द क्लास और हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो इस क्लास का पार्ट है, तो ये बताने के लिए हमें इस क्लास के नाम का टैग कहीं ना कहीं उस फंक्शन के साथ यूज करना पड़ेगा, और हमें एक और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जिसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये रिटर्न टाइप है, एक फंक्शन का नाम है, ये उसके पैरामीटर्स हैं।
तो ऐसे ही उसमें होगा, पहले रिटर्न टाइप आएगा, फिर यहां पे आएगा नेम ऑफ क्लास, और यहां पे आएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, एंड देन नेम ऑफ फंक्शन। अगर हम इस क्लास का कोई फंक्शन बनाना चाह रहे हैं आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास कैसे बनेगा, ऊपर लिखता हूं मैं, रिटर्न टाइप इंट, उसके बाद में नेम ऑफ क्लास टेस्ट, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम एड, और उसके बाद में पैरामीटर लिस्ट, और इसके अंदर जो भी कुछ हम करना चाह रहे हैं वो हम यहां पे कर सकते हैं। रिटर्न कर दिया एक्स प्लस वाई। अब आपको ये समझ अगर नहीं आ रहा है कि मैं रिटर्न एक्स प्लस वाई क्यों कर रहा हूं, तो ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि हम एड नाम का फंक्शन बना रहे हैं, एड में हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं इनपुट के रूप में, और हम इन दोनों का सम रिटर्न करने वाले हैं इंट फॉर्मेट में। तो इन दोनों का मैंने सम किया, एक्स प्लस वाई किया, और उसको रिटर्न कर दिया। इसको मैं दो या तीन लाइनों में भी लिख सकता था, मैं पहले एक इंट जेड नाम का वेरिएबल ले सकता था, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कर सकता था, एंड रिटर्न जेड कर सकता था, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया, क्योंकि जितना लाइन ऑफ कोड कम होगा, जितनी कम लाइनों में हमने कोड लिखा होगा, उतना हमारा कोड फास्ट चलता है। तो ये क्लास के फंक्शन की घोषणा हो गई कि क्लास में किसी फंक्शन की घोषणा किस किस तरह से की जा सकती है। एक छोटा सा टॉपिक और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एंड फिर हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। वो छोटा सा टॉपिक है मॉडिफायर्स। हम लोग मॉडिफायर्स एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? डेटा टाइप्स में पढ़ चुके हैं, किस किस तरह का डेटा हम यूज कर सकते हैं, किस किस तरह के डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफायर्स अलग होते हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये करवा रहा हूँ टॉपिक। ये मॉडिफायर्स होते हैं असेस मॉडिफायर्स, कुछ लोग इसको एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं, कुछ असेस मॉडिफायर्स बोलते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो। वो जो मॉडिफायर्स हम डेटा टाइप्स में यूज कर रहे थे, जिसमें हम एक इंट को साइंड इंट या अनसाइंड इंट या शॉर्ट या लॉन्ग अलग अलग टाइप्स में बांट रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, एसेस को मॉडिफाई करेंगे, किस तरह से हम डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये हम डेटा को किस किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ एक्सेसिंग द डेटा, दैट इज हम पब्लिकली किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हम प्राइवेटली किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेडली किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिकली मैंने आपको बताई दिया था, जिसको सभी एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट जिसको सभी एक्सेस नहीं कर सकते, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्टेड जिसमें सम कैन एक्सेस, मतलब कुछ स्पेशल परमिशंस के साथ डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्टेड का और पब्लिक का और प्राइवेट का आपको सही यूज कहां पे समझ आएगा, जब आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे। एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर आप एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास के अंदर यूज करोगे, उनको आप इनहेरिट करोगे। इनहेरिट करते टाइम आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें पब्लिकली इनहेरिट होती हैं, कौन सी चीजें प्राइवेटली इनहेरिट होती हैं, और कौन सी चीजें प्रोटेक्टेडली इनहेरिट होती हैं, और प्राइवेटली इनहेरिट होने जैसा कुछ होता ही नहीं। प्राइवेटली हम किसी चीज को इनहेरिट कर ही नहीं सकते, किसी क्लास के प्राइवेट डेटा को हम बाहर से एक्सेस कर ही नहीं सकते, किसी क्लास के पब्लिक डेटा को प्राइवेटली इनहेरिट किया जा सकता है। तो ये चीजें आपके ऊपर से बाउंसर्स जा रहे होंगे, मेरे को पता है, कॉमन चीज है, जानबूझ के बता रहा हूं। अभी के लिए आपको ये नाम ही पता चल जाए सफिशियंट है। 12th चैप्टर में जब आप जाओगे तब आपको ऑलरेडी ये चीजें सुनी होंगी, आपको लगेगा कि मेरे को ये आता है। तो अभी हम क्या कर चुके हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर हम क्लास की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, क्लास एक रैपर होता है जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को बांधे रखता है। क्लास की घोषणा कैसे होती है, क्लास की घोषणा होती है क्लास कीवर्ड के साथ, क्लास का नाम, और फिर उसका स्कोप शुरू होता है, स्कोप बंद होता है, सेमीकोलन लगता है। इस स्कोप के अंदर हम क्या कुछ लिखते हैं, एक प्राइवेट सेक्शन होता है, एक पब्लिक सेक्शन होता है, जो भी चीज बाय डिफॉल्ट हम लिखते हैं
वो प्राइवेट होती है। क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास टाइप के, क्योंकि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इस टाइप का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट कहलाता है। और क्लास का वेरिएबल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लास का इंस्टेंस बोल सकते हैं, क्लास का बहुत ही छोटा सा हिस्सा बोल सकते हैं, क्लास का बेसिक प्रारूप बोल सकते हैं, खाली प्रारूप बोल सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस को किस किस तरह से घोषित किया जा सकता है, या तो इनसाइड द क्लास घोषित किया जा सकता है या आउटसाइड द क्लास घोषित किया जा सकता है। इनसाइड द क्लास घोषित करना है तो नॉर्मली मेंबर फंक्शन की तरह हम घोषणा कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास करना है तो हमें उसके साथ क्लास का नाम भी लिखना पड़ता है। उसके बाद में हमने पढ़े हैं मॉडिफायर्स, इसको मॉडिफायर्स ना लिख के असेस मॉडिफायर्स ही लिखो ताकि आपको फर्क पता लगे मॉडिफायर्स क्या होते हैं, असेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। असेस मॉडिफायर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से असेस मॉडिफायर्स होते हैं। हम पब्लिक असेस मॉडिफायर्स पढ़ते हैं, प्राइवेट असेस मॉडिफायर्स पढ़ते हैं और प्रोटेक्टेड असेस मॉडिफायर्स पढ़ते हैं। तो ये हमारे आज के चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक समरी है। इसकी ज्यादा डिटेल्स हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या कुछ पढ़ेंगे कि कैसे किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शंस को बनाया जा सकता है, कोई फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, फ्रेंड क्लास क्या होती है, वर्चुअल क्लास क्या होती है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन सेशन में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन, गुड डे।